मनीष कश्यप के केस में हुआ बड़ा खुलासा। क्या राजनीति से प्रेरित है पूरा मामला? मनीष कश्यप पे बनी ये रिपोर्ट देखकर दंग रह जाएंगे आप। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। पीएफआई कट्टर इस्लामिक संगठन जो बिहार सरकार की नाक के नीचे 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच चुका था और हजारों लोगों को ट्रेनिंग भी दे चुका था, लेकिन मजाल है कि बिहार प्रशासन को थोड़ी सी भी भनक इस बारे में रही हो। आप कहेंगे ये तो पुरानी घटना है, अब बिहार पुलिस तो बहुत ही चुस्त दुरुस्त हो गई है। तो एक और घटना जान लीजिए। अभी हाल ही में बिहार में एक नाबालिग का अपहरण हुआ। अपहरण के बाद चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है और फिर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया जाता है। लेकिन पुलिस पहुंचती कब है? जब लाश राख बन चुकी होती है और मामले में जांच के बाद रिपोर्ट लगाती है कि उस नाबालिग ने स्वयं अपना अपहरण करवाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी सक्रियता के इतने बड़े बड़े किस्से हम आज आपको क्यों सुना रहे हैं, तो वो भी जान लीजिए। क्योंकि बिहार में अभी एक और घटना हुई है, बिहारी मजदूरों के साथ दूसरे राज्यों में हो रहे दुर्व्यवहार। घटनाएं तमिलनाडु में हो रही हैं और इस मामले को लेकर के सैकड़ों लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग भी की और इसी में एक युवा रिपोर्टर हैं जो अपना YouTube चैनल चलाते हैं, जिनका नाम है मनीष कश्यप। इन्होंने भी रिपोर्टिंग की इस मामले में। आरोप लगा कि उन्होंने गलत वीडियो दिखाया और बिहार पुलिस इस पर सक्रिय हो गई। सक्रिय भी कितनी हुई ये भी देख लीजिए। रिपोर्टिंग के दूसरे दिन FIR दर्ज हो गई। 7 दिन के अंदर अंदर अकाउंट सीज कर दिया गया और उसके अगले ही दिन घर की कुर्की भी हो गई। और बताया गया कि इस बार बिहार पुलिस पल पल की जानकारी ट्विटर पर पोस्ट करती रही। इतना ही नहीं, कमेंट करने वालों का थैंक यू बोलकर रिप्लाई भी करती रही। हालांकि इन सब के बीच मनीष ने खुद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया, पर इसके बाद भी मनीष के साथ बर्ताव कैसे हुआ ये भी देख लीजिए। ये जिस शख्स के चेहरे पर आप कपड़ा बंधा हुआ देख रहे हैं, ये कोई खूंखार आतंकी नहीं है, ये वही मनीष कश्यप हैं जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इनके सरेंडर करने के बाद जिस तरह से इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, वो लोगों को हैरान करने वाली थी, क्योंकि इसके कुछ ही दिन पहले महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार करने वाले को बहुत हो हल्ला मचने के बाद किस प्रकार गिरफ्तार किया गया इसे भी देख लीजिए। तो ऐसे में कुछ प्रश्न उठने जायज है। मसलन, क्या मनीष कश्यप के विरुद्ध हुई ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के कारण है? क्योंकि मनीष कश्यप कुछ लोगों के खिलाफ तब से आवाज उठाते आए हैं जब वो विधानसभा के लिए निर्दलीय चुनाव लड़े थे। क्या इसके पीछे बिहार की राजनीति धुरी यानी जातीय समीकरण भी जिम्मेदार है? क्योंकि ये जग जाहिर है कि बिहार में अगली बनाम पिछड़ी जाति की राजनीति कितनी मजबूत है। ऐसे में क्या ये पिछड़ी जातियों के ध्रुवीकरण का एक तरीका है? क्योंकि बिहार सरकार की जातीय जनगणना भी इसी से प्रेरित है। मनीष कश्यप का वीडियो सही या गलत हो सकता है, वो दोषी या निर्दोष करार दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बिहार व पूर्वांचल से सबसे अधिक मजदूर दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं, जहां उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसमें भेदभाव भी शामिल है। ऐसे समय में जब लोगों का विश्वास परंपरागत मीडिया से घट रहा है और लोग सोशल मीडिया, गूगल आदि पर अधिक विश्वास कर रहे हैं, तो क्या एक रिपोर्टर के साथ सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार किया जा सकता है क्योंकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता करता है? क्योंकि यदि देखा जाए तो सोशल मीडिया का जन्म ही इसी अवधारणा पर हुआ कि हर व्यक्ति अपनी बात रख सके। क्या मीडिया भी अब दो खेमों में बट चुका है? क्योंकि जहां मीडिया का एक हिस्सा मनीष कश्यप के समर्थन में उतरा, वहीं कुछ परंपरागत मीडिया संस्थानों ने मनीष कश्यप के प्रति अपमानजनक रिपोर्टिंग की। तो प्रश्न उठता है कि मीडिया जगत का ये
मतभेद वैचारिक है या प्रतिस्पर्धात्मक यानी आगे निकलने की होड़ में है। तो अब विचार करके आप ही बताइए कि आप सबसे अधिक आईपीएस आईएएस अपने राज्य से देने पर गर्व कीजिएगा या फिर हजारों लाखों मजदूरों के पलायन व उनके दर्द पर लज्जित हो जाइएगा, क्योंकि जनता निर्दोष है, जनता भोली भाली है। उसे लगता है कि अपनी जाति अपनी बिरादरी के लोगों को शीर्ष पर अगर हम पहुंचाते हैं या वो शीर्ष पर होते हैं तो ही उनका भला होगा, जबकि वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि असली समस्या औद्योगीकरण का ना होना है, क्योंकि जब तक उद्योग धंधों की स्थापना होगी नहीं तब तक ना हर हाथ को काम मिलेगा, ना जीवन स्तर सुधरेगा और ना ही पलायन रुकेगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।